नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। मौलाना सात पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस चुका है। फरार चल रहा मरकज का मौलाना अब गिरफ्तारी से ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। मौलाना के तमाम राज उन विदेशी जमातियों ने खोल दिए हैं जिन्हें मौलाना साद ने लॉकडाउन के दौरान जबरन मरकज में रोक रखा था। देश को कोरोना के जाल में फंसाकर मौलाना साद मौज काट रहा है, लेकिन उसकी मौज के बस चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि मौलाना का राज अब उसके चेले ही खोल रहे हैं। मौलाना साद पर कसा शिकंजा, अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा साद। 300 जमातियों ने खोली मौलाना की पोल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब मौलाना साद के उन राजदारों तक पहुंच गई है जो उसके इर्द गिर्द रहा करते थे। इनमें उसके विदेशी राजदार भी हैं। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने 300 विदेशी जमातियों से पूछताछ की है। इन सभी जमातियों से दिल्ली में उनके ठिकानों और क्वारंटीन सेंटर में की गई है। मार्च में ये सभी जमाती निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। जिन 300 विदेशी जमातियों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है, ये उन्हीं 700 विदेशी जमातियों के ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनके पासपोर्ट और अन्य दूसरे दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने जब्त किए थे। क्राइम ब्रांच को मिला मौलाना का कच्चा चिट्ठा। 166 जमातियों ने मौलाना का राज खोला। मौलाना की मौज के बस चंद दिन बाकी। क्राइम ब्रांच को पूछताछ में जमातियों ने बताया है कि कोरोना फैलने की खबरें आने के बाद वो 20 मार्च को निजामुद्दीन मरकज छोड़ देना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि मौलाना साद की मंशा क्या थी? क्या जमातियों के जरिए साद देश में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा था? मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौलाना साद और उसके राजदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के दो करीबी नेटवर्क के जाकिर नगर के घर पहुंची, जहां क्राइम ब्रांच ने न सिर्फ इनसे कुछ दस्तावेज मांगे बल्कि उन 20 लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जो मरकज में आने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े हुए थे। मौलाना साद भले ही अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो भाग नहीं पाएगा। क्राइम ब्रांच को उसके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पुलिस के नोटिस देने के बावजूद उसने जमातियों को जानबूझकर मरकज में रोका। जमातियों ने बयान में जो कुछ बताया है, उससे मौलाना साद की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। क्राइम ब्रांच ने मरकज में शामिल होने वाले 700 जमातियों के पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अब क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि मरकज में शामिल होने वाले विदेशी जमातियों ने किस आधार पर वीजा हासिल किया था और वीजा दिलाने में मौलाना साद की क्या भूमिका थी। क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दे दी है। मौलाना साद अपने कोरोना टेस्ट के बारे में भी अब तक सच नहीं बता रहा है। क्राइम ब्रांच ने उसे सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने को कहा था, तो कुछ दिन बाद चिट्ठी लिखकर मौलाना ने ये बताया कि उसने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करा लिया है और रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को भेज दी है। लेकिन क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच पर मौलाना साद गुमराह कर रहा है। वो जांच से बचने के लिए बार बार बहाने बना रहा है। कोरोना का कहर झेल रहा हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर मरकज का मौलाना कहां छुपा बैठा है। क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में दिल्ली के अलावा कई बार शामली भी जा चुकी है, जहां उसका आलिशान फार्म हाउस है। वहां जांच के लिए गई क्राइम ब्रांच की टीम के आईओ भी कोरोना पॉजिटिव होकर अभी क्वारंटीन में हैं। इसके बाद शामली थाने के कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की मदद के लिए वो भी मौलाना साद के फार्म हाउस रेड मारने गए थे। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, उसमें जो आईओ थे सब इंस्पेक्टर, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। 23 अप्रैल को ये टीम आई थी और 2 मई को कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन
जो हमारी पुलिसकर्मी वहां सहयोग में टीम के साथ गए थे, ऐसे 5 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है तथा उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जिन जमातियों के सहारे मौलाना साद ने हिंदुस्तान को कोरोना के जाल में उलझा दिया, अब वही जमाती मौलाना साद को ही इसका सबसे बड़ा गुनहगार बता रहे हैं। अनुज मिश्रा और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। गिरगिट की तरह रंग बदलने और बार बार जुबान बदलने वाला मौलाना छुपा बैठा है, लेकिन मौलाना चाहे जिस तहखाने में छुप जाए लेकिन अब बच नहीं पाएगा। उसके बैंक खातों में जमा अकूत रकम का विदेशी कनेक्शन भी पता चल चुका है। मौलाना का मुश्किलें इतनी बढ़ गई है कि कई साल तक उसे जेल में रहना पड़ सकता है। क्राइम ब्रांच को विदेशी जमातियों के अलावा मौलाना साद के दो और राजदारों से अहम सुराग मिले हैं। ये वो राजदार हैं जो मरकज का कामकाज देखने के साथ साथ वहां की व्यवस्था और बही खातों का हिसाब किताब भी देखते थे। क्राइम ब्रांच इस सिलसिले में मौलाना साद के बेटे से भी पूछताछ कर चुकी है। जाकिर नगर में इनके ठिकानों पर भी क्राइम ब्रांच छापेमारी कर चुकी है, जहाँ से क्राइम ब्रांच को ऐसे 20 लोगों का पता ठिकाना मालूम पड़ा है जो मौलाना साद के ऐसे राज जानते हैं जिनसे मौलाना की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसे खातों का पता चला है जिनमें विदेशों से करोड़ों रुपए का लेन देन होने की खबर है। क्राइम ब्रांच अब मौलाना साद और मरकज से जुड़े खातों को खंगालने में जुट गई है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्राइम ब्रांच के रेडार पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट है जो मौलाना साद और मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे ही कहना है कि इन तमाम बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ मरकज में जो जमाती शामिल हुए थे, जो विदेशी थे, उनके बैंक खातों पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो इनके पास रेलवे का टिकट बुक करने के लिए बाकायदा आईडी है। दरअसल क्राइम ब्रांच के जाँच के दौरान पता चला कि विदेशी ट्रैवल एजेंट के जरिए तमाम इलाकों के लोग इन 20 लोगों के जरिए अपने आने जाने का इंतजाम करते थे। इसलिए पुलिस इनसे ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने कितने ऐसे लोगों के टिकट बुक कराए हैं जो अभी भी चकमा देकर या कहीं छिपकर पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसने की लगातार कवायद कर रही है। मौलाना के कुछ जानकारों के कॉल डिटेल के आधार पर क्राइम ब्रांच ने करीब आधा दर्जन हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ की थी, जिससे ये पता चल सके कि मौलाना का दिल्ली 6 हवाला कनेक्शन तो नहीं था। तो जाहिर सी बात है, क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने अब तक मौलाना साद को 4 नोटिस भेजे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक मौलाना साद ने जो सवाल क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेज कर पूछे हैं, उन सवालों के सही सही जवाब नहीं दिए हैं। क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए उसके कई करीबियों और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही साथ हवाला नेटवर्क से जुड़े करीब आधा दर्जन लोगों, एक ट्रस्ट के 3 लोगों और जमातियों को बाहर भेजने वाले 9 टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट से भी पूछताछ की गई है। अब तक की जाँच में एक बात साफ हो गई है कि मौलाना साद सबसे बड़ा गुनहगार है। उसने जमातियों को धर्म के नाम पर पहले बरगलाया, फिर जबरन ये कहकर रोके रखा कि कोरोना से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौलाना साद का ऑडियो भी सामने आया था जिसमें उसने जमातियों और मुसलमानों से मरकज और मस्जिदों में आने के लिए कहा था, ये जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। बहरहाल क्राइम ब्रांच की जांच से एक बात साफ हो गई है कि मौलाना साद ने जानबूझकर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की एडवाइजरी नहीं मानी और जमातियों को मरकज में रोके रखा। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मौलाना साद पर शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। हालांकि इसके पहले वो दिल्ली पुलिस को अपनी चालाकियों का परिचय दे चुका है। जब मरकज से जमातियों को बाहर निकालने की बारी आई थी तो उस वक्त भी मौलाना के इशारे पर पुलिस से बदसलूकी की गई थी।
पुलिस को इसकी जानकारी भी गलत दी गई थी कि मरकज में कितने जमाती छिपे हैं। मौलाना साद के गुनाही की तस्दीक निजामुद्दीन थाने के एसएचओ की ये वीडियो क्लिप भी करती है, जिसमें वो मरकज को लोगों से खाली करने को कहते हैं। आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। निजामुद्दीन थाने में मरकज का कामकाज देखने वाली कमेटी के सदस्य अर्जी लेकर पहुंचे थे कि पुलिस जमातियों के जाने का इंतजाम नहीं कर रही। इस दौरान पूछताछ में मरकज के लोगों ने इस बात की भी गलत जानकारी दी थी कि मरकज में कितने लोग अभी ठहरे हैं। ये मार्च के आखिरी हफ्ते की बात है। सर हम डेढ़, आप कह रहे हैं हमने 1500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2500 में से एक रह रहे हैं, 1500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1000 से 1000 हैं। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के, कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई हरदोई का है, ये सब जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें। लेकिन जब देश भर में मरकज से गए जमाती कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे तो पुलिस और नगर निगम ने मरकज को खाली कराने का अभियान शुरू किया। उस वक्त मरकज में करीब 4000 जमाती मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी जमाती भी थे। पुलिस के लिए मरकज को खाली कराना आसान नहीं था, क्योंकि धर्म की आड़ में मौलाना साद लुका छिपी का खेल खेल रहा था। जमातियों ने उस दौरान दुर्व्यवहार भी किया था, पुलिस और सफाई कर्मचारियों पर थूका भी था। बहरहाल मरकज से जैसे ही 4000 जमाती क्वारंटीन सेंटर भेजे गए, मौलाना साद की हेकड़ी भी गुम होने लगी। उसने बाद में कई वीडियो मैसेज जारी किए। कभी जमातियों को बरगलाने वाला मौलाना अब उन्हें सरकार और डॉक्टरों की बात मानने की बात करने लगा था। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा तआवुन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। बहरहाल गिरगिट की तरह रंग बदलते मौलाना साद के गुनाहों का हिसाब होने का वक्त अब करीब आ गया है। अब वो ज्यादा दिन पुलिस से लुका छिपी का खेल नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उन्हीं प्यादों ने उसका खेल खराब कर दिया है, जिनके जरिए उसने पूरे देश में कोरोना का वायरस फैलाया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बात पालघर की, जहां साधुओं की मॉब लिंचिंग का केस लड़ रहे वकील के सहायक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इसके बाद एक बार फिर से पालघर को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने सवाल पूछा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है। पालघर में जिन साधुओं की मॉब लिंचिंग ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उस पालघर में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साधु मॉब लिंचिंग हत्याकांड मामले में संतों की तरफ से केस लड़ रहे दिग्विजय रोज की तरह कोर्ट गाड़ी से रवाना हुए, जहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कार ने नियंत्रण खो दिया और वो डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें दिग्विजय त्रिवेदी की मौत हो गई, जबकि महिला वकील घायल है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय दिग्विजय ही गाड़ी चला रहे थे। जो बातें हम लोग मालूम पड़ी कि वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था और कोई बात नहीं थी, तो इसलिए अभी तक किसी खड़ेंत्र या किसी बात के बारे में हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। जिस तरह से पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर सियासत हुई, उसके बाद वकील की मौत ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अचानक हुई इस मौत को लेकर साजिश की आशंका जताई है। पालघर में संतों की हत्या मामले में वीएचपी के वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई, ये खबर विचलित करने वाली है। क्या ये केवल संयोग है कि जिन लोगों ने पालघर मामले को उठाया उन पर या तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया या FIR कराई? खैर, ये जांच का विषय है।
पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है। मामले को लेकर कई गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं उद्धव सरकार लगातार हिंसा पर न्याय दिलाने का भरोसा दिला रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। महागाड़ी सरकार को चेतावनी देता हूं कि तुरंत उस मामले की जांच करें और सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कभी खुद की जांच कोई नहीं कर सकता। आज जिस प्रकार केस से जुड़े एक जूनियर वकील की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी दुखद है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल एक बार फिर पालघर पर सियासत तेज हो गई है और साधुओं की मौत के बाद अब वकील की मौत की भी सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। पालघर से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 4 में मिलने वाली छूट को लेकर सस्पेंस जारी है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगा था, जिसमें करीब 5,00,000 लोगों ने अपनी राय दी, जिसे ध्यान में रखते हुए आगे की योजना को लेकर माथापच्ची जारी है। एक ओर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले और दूसरी ओर दिल्ली के सामने खड़ा आर्थिक संकट, जिसके बीच का रास्ता निकालने को लेकर दिल्ली सरकार की माथापच्ची चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में छूट को लेकर जनता से राय मांगी थी, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4 को लेकर कई अहम फैसले कर सकती है। सुझाव के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, वही सुविधा को लेकर भी जनता ने अपना मत दिया है। योग और वॉक के लिए पार्क खोलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा शर्तों के साथ ऑटो, टैक्सी और मेट्रो सेवा शुरू की जाए। बाजार को ऑड इवन के फॉर्मूले पर खोलने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी सुविधा देने की बात कही गई है। हेयर कटिंग शॉप, स्पा, सलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल बंद, स्कूल कॉलेज बंद रखने का सुझाव आया है। वहीं कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद की वकालत की है। अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफी कठिन समय है। दिल्ली की जनता ने करीब 5,00,000 से ज्यादा सुझाव दिए, जिसके बाद केजरीवाल सरकार के आला मंत्री और एलजी 17 मई के आगे के प्लान को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुझाव के लिए 15 मई तक का वक्त दिया है। आज दिल्ली की जनता क्या चाहती है वो सर्वविदित है। एक बार आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, एक बार लोगों की बयान कहीं देख लीजिए, तो समझ में आता है कि दिल्ली की जनता भी अपना बचाव चाहती है। रेल यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीटीसी बस चलाने का फैसला किया है। ये बसें एसी ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे यात्रियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचाने का काम कर रही हैं। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, वहीं यात्रियों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। स्पेशल ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए डीटीसी ने सेवा शुरू किया आज से, और जो भी यात्री आएंगे उनको उनके जगह पर पहुंचाया जाएगा। देख सकते हैं कि ये बस, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। वैसे 40 से ज्यादा यात्री बस में बैठते हैं, लेकिन इस बस में 20 लोग के करीब बिठाया जाएगा। बहरहाल दिल्ली में कोरोना के केस में कोई कमी नहीं आ रही है, ऐसे में लॉकडाउन में ढील किसी चुनौती से कम नहीं है। दिल्ली से पुनित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लोगों के लिए ट्रेन खुशियां तो लेकर आई, लेकिन घर पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं है। ट्रेन से अपने शहर पहुंचने की राह तो आसान हो गई, लेकिन घर जाने का सफर पहाड़ जैसा नजर आ रहा है। जब आपने इतना किया है रेलवे वगैरह इसका किया है, तो थोड़ा यहाँ भी देखना चाहिए कि अब यहाँ से मतलब कैसे जाएंगे ये लोग। रिजर्वेशन मिलते वक्त सोचा नहीं था कि घर पहुँचने की खुशी यूं काफूर हो जाएगी और आखिरी चंद किलोमीटर की दूरी पहाड़ बन जाएगी।
आम लोगों के लिए ट्रेन सेवा मंगलवार से शुरू कर दी गई थी, लेकिन लोग घरों से स्टेशन कैसे पहुंचेंगे और फिर स्टेशन से घरों तक कैसे जाएंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना तो आसान हो गया है, लेकिन पहले रेलवे स्टेशन तक और फिर स्टेशन से घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और सफर के लिए न टैक्सी है, न बस, न मेट्रो। यहाँ पे कोई जाने के लिए सुविधा नहीं है, नहीं ओला उबर कुछ बुक नहीं हो रहा है। फिर घर फोन किए हैं तो बाइक लेकर के जब तक पहुंचे तब जाएंगे ना। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि यात्रियों का ई टिकट ही उनका कर्फ्यू पास होगा, लेकिन तब तक ये नहीं बताया गया था कि जब स्टेशन से टैक्सी नहीं मिलेगी और परिवार या रिश्तेदार गाड़ी लेकर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये टिकट वाला कर्फ्यू पास दिखाएंगे किसे। अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचा ये परिवार उसी उधेड़ बुन में है। यहाँ से अलीगढ़ जाना है, लेकिन रिश्तेदारों ने जिस टैक्सी का इंतजाम करवाया था उसे दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर में घुसने ही नहीं दिया। सर आपने ये व्यवस्था करी है तो ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली के हैं दिल्ली के ही लोग आएंगे, जो उसके आसपास के क्षेत्र के भी लोग हैं वो भी तो पहुंचना चाहेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था करें। ये नहीं कि पर्सनल गाड़ियां बोल दी, एटलीस्ट कुछ टैक्सी जिनको नंबर दें जिससे कि कुछ वेट करें जो उनको पहुंचा सकें। सफर शुरू होने के तीसरे दिन भी हालात असमंजस वाले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बसों का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन ये बसें भी लोगों को उनके घरों तक नहीं पहुंचाएंगी। शिवाजी स्टेडियम बस अड्डे से अब बसें जो है वो अलग अलग जगह पर लोगों को लेकर जा रही है। सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पर जा रही है। हम जिस बस में इस वक्त है वो साउथ दिल्ली जा रही है, एम्स और लाजपत नगर लोगों को ड्रॉप करते हुए। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, सवाल अभी भी यही कि जब हम जहां पर भी ड्रॉप हो जाएंगे वहां से फिर घर कैसे जाएंगे। भाई साहब आपको किधर तक जाना है? मेरे को फरीदाबाद जाना है। हाँ। तो आप इस बस से कहां तक जाएंगे? अभी इससे तो आश्रम तक जाऊंगा मैं, आश्रम से अभी देखूंगा वहां पे क्या है। कुछ बताया गया है वहां पे आश्रम पे क्या अरेंजमेंट? नहीं कुछ नहीं, अभी कुछ आश्रम तो कुछ नहीं बताया अभी तक। फिर आगे का क्या सोचा है? वहां पे जाके देखेंगे क्या करना है हमारे को। देश के सभी बड़े शहरों से राजधानी दिल्ली को रेल के जरिए दोबारा जोड़ दिया गया है, लेकिन करीब करीब सभी जगहों पर यात्रियों को स्टेशन तक और स्टेशन से घरों तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। हालांकि बेंगलुरु में हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। यहां स्टेशन के बाहर लगी बसें यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर, होटल या उनके घरों तक सीधे पहुंचा रही हैं। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।